ये शादी का पार्ट थ्री वीडियो है। पार्ट वन और पार्ट टू आ चुका है शादी का। और ये दुल्हन जब ससुराल आती है तब का ये वीडियो है। शादी वाला वीडियो चल गया है और रसम वाला वीडियो गया है। और जब दुल्हन आती है तब रसम होता है, वो वीडियो है, देख लीजिए। दुल्हन को जब दुल्हन आई है तो उसको उतारने का काम होता है, मतलब उतारा जाता है उसको गाड़ी से, उसको चुमाया जाता है वीर बाग जो है, और मिथिला तरफ होता है। ये बिहार का शादी है और आवाज़ भी दे दिए हैं वीडियो में, और ऊपर से भी हम आवाज़ दे देते हैं, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। देखिए ये दुल्हन को उतारते हैं गाड़ी में से, और ये पैर धोन का विध होता है, उसका चुमावन का विध होता है, जो भी है जितना भी होता है सब रसम इसमें दिखा देंगे हम। ये लास्ट रस्म होता है सब दुल्हन को, जितना वीर है बाकी सब में होता है। देखिए दुल्हन को गाड़ी से उतार दिया गया है, इसको आप इसको बैठा के और इसका पैर और सब धोया जाता है। देख लीजिए जो छोटी ननद होती है वो दुल्हन का पैर धोते हैं। थोड़ा भाई मेरा गुस्सा कर रही है, धूप बहुत है इसीलिए बोला है कि धूप में नहीं होगा, क्योंकि छम चुन कर रही है इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहा है भी, जल्दी जल्दी कर रहा है रसम जितना भी है। जैसे बिहार का रसम है मिथिलांचल तरफ का, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जरूर आप लोग देखिएगा। देखिए पैर धोन का होता है कार्यक्रम, यहाँ पर देखिए दुल्हन का पैर रहता है, और ये देखिए ये चुबावन रस्म होता है, ये तो चुमाया जाता है दुल्हा दुल्हन के, जितना घर का लोग होता है फैमिली होता है वो सब, वो देखिए जल्दी हम दिखा दिए। और देखिए जो ये देखिए ये होता है खीर खोन का रस्म होता है, वो हो रहा है। और यह गठबंधन खोलने का रस्म होता है, दुल्हन के खांसे पर गठबंधन खोला जाता है, वो भी रस्म होगा। इसे हमारा तरफ होता है ये सब रस्म, आप लोग होता नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यही सब रस्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा हम लोग तरफ विध कैसे होता है, कैसे शादी हो जाता है सब वीडियो। और ये देखिए जिस तरह हमें यहाँ नहा रहा था, ये एक रस्म होता है। जैसे आप लोग अंगूठी का अंगूठी को जीतता को हारता अंगूठी ढूंढता है ना, हम लोगों को अंगूठी नहीं ढूंढता है, इसी से पहले नहाया जाता है हल्दी से लेके नहा दुल्हन दोनों को। देखिए वो थोड़ा सा ये कर दिए हैं बाहर, अच्छा नहीं लगा विशेष था पिक्चर को, ये करवा दिए हैं। ये बाकी सबको देखिए रहे हैं आप लोग, नहा हुआ के तैयार होकर उसके बाद आएगा। जैसे हम लोग आप लोग में जितना ये अंगूठी को क्या ढूंढना होता है, हम लोग ये होता है कौड़ी से खिलाता है, कौड़ी पांच कौड़ी होता है और पांच सुपारी होता है, उसको है ना पानी में दिया जाता है। अगर एक तरफ सब कौड़ी एक तरफ हुआ तो सोचिए लड़का जीता, अगर पाँच पांच पर खिलाता है, पाँचों बार अगर एक के तरफ सब कौड़ी हो गया तो लड़की जीतेगा, नहीं पाँचों कौड़ी एक के तरफ हो गया लड़का जीतेगा, जिसके वो इसे खिलाया था। हम लोग वो अंगूठी छुपा अंगूठी नहीं ढूंढने वाला होता है, देखिए कौड़ी है ये सब दिया जाता है, उसको ऐसे किया जाता है। आवाज़ आप लोग सुन लीजिएगा, सब कौड़ी एक एक तरफ सीधा रहेगा तो जो जिसके तरफ हुआ वो जीत गया, जो ठेका उसके में हो गया सीधा पूरा, उसमें दुल्हन ही जीत गई। तो दुल्हन में जितना बार फूटी कौड़ी उतना बार में ही दुल्हन का ही कौड़ी सब सीधा रहा, इसीलिए वो जीत गई। ये भी एक रस्म होता है, इसी तरह रस्म किया जाता है। जो भी रस्म है ये दुल्हन का ससुराल में रस्म है, ये मेरे मेकिंग हो रहा है, तो ये दुल्हन भी जीती सब बोल रहे थे, सब मतलब आवाज़ दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं सुन सकते हैं। ऐसे ही होता है, आप लोग होता है कि अंगूठी को मतलब ढूंढा जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये रस्म और देखिए ये एक रस्म और है, मटका ले जाती है और पीछे से दुल्हा है ना थोड़ा सा हम के पल्लों से और हमको थोड़ा सा मारती है, वो देखिएगा तो मतलब जो नहीं लड़की सब है वो सभी पकड़ ली और थोड़ा करके मारने लगे, हल्का हल्का तो जोर से नहीं। ये देखिए देखिए जो हम जा रही है सब बोल रही है, इस तरह चलो उस तरह दिन जो होता है जो गाँव घर को होती है लेडी सब वो सब बता देंगे। देख लीजिए ये जब फेंकेगी तब उसको क्या बोलते मारना होता है, तो आम बाकी सब ले ली लड़की सब और थोड़ा सा मारना शुरू कर दी, मतलब कि जो जरा जो लाइक सब्सक्राइब।